नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक इंडिया ने ओपीएस पर यानी पुराना पेंशन पर एक बहुत बड़ा अपना आर्थिक विचार रखा है, जो आपको जानना चाहिए। रिजर्व बैंक इंडिया ने उसने कहा है कि सभी राज्यों ओपीएस को अगर लागू कर देते हैं तो सभी राज्यों के ऊपर 4.5% बोझ बढ़ जाएगा, यानी पुराना पेंशन लागू होने पर 4.5% का बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे जो हिसाब लगाया है कि 2060 तक पेंशन पर सालाना व्यय यानी जो सालाना खर्च होगा वो 9% हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने बयान में दिया है कि 2022 और 23 में राज्यों की आर्थिक स्थिति में प्राय सभी राज्यों का देश में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है, रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आप ओपीएस लागू करते हैं तब आपके सामने क्या स्थिति आएगी, तो आपके सामने राज्य अगर को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी संपत्तियों को, जो आपके संपत्ति है, धन दौलत है, यानी जमीन जायदाद और जो भी कुछ है, जिस राज्य के पास जो संपत्ति है उसको बेचनी होगी, यानी एक तरह से ये इशारा उन्होंने कर दिया कि अगर आप अपनी सिर्फ राजनैतिक महत्वाकांक्षा को ही ध्यान रखेंगे तो आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक उन्होंने सीधा बताया। और उन्होंने बताया कि आज जितने भी कर्मचारी हैं जो आज ओपीएस का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी कर्मचारी 2040 तक रिटायर कर जाएंगे, यानी आज जो सेवा में है 2040 तक अवकाश प्राप्त हो जाएंगे। तो 2060 तक यानी अवकाश प्राप्ति के 20 वर्ष बाद तक का उनका आयु का लगाया है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है और 60 के उम्र में अगर अवकाश प्राप्त कर जाते हैं तो लगभग 20 वर्ष और जीवित रहेंगे। तो इसीलिए यहां 2060 तक अगर उनको जो पेंशन मिलेगा तो राज कोषीय कोष के ऊपर 9% का भार बढ़ेगा, यानी पूरा आकलन इन्होंने कर लिया है। और ये भी बताया कि अगर आप राज्य सरकार अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं छोड़ते, ये उन्होंने कहा नहीं है, ये हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये बेचने का सवाल आ गया ना तो नया बात आ गया, गांव देहात में भी होता है, कोई नया बात नहीं, ज्यादा खर्चा होगा तब बेचना ही ना पड़ेगा, कहां से होगा, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही ध्यान में रखेंगे तो आपको राज्यों का जमीन बेचना पड़ेगा। दूसरा, अभी लोकसभा चल रहा है और लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने, पंकज चौधरी ने यह बताया कि अभी केंद्र सरकार के पास पुराना पेंशन स्कीम पर कोई विचार नहीं चल रहा है। ये तो ये इन्होंने लोकसभा में बताया और ये आरबीआई का है कि अगर पेंशन राज्य सरकारें बढ़ाते हैं तो उनकी अपनी संपत्ति बेचना होगा।
ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।